नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की सुबह की अपडेट की ओर। पूरा देश इस समय लॉकडाउन कोरोना महामारी से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वॉशिंगटन में बाइडेन प्रशासन पर एस्ट्राजेनेक टीका और कई जीवन रक्षक चिकित्सीय आपूर्तियों के साथ अन्य कोविड 19 टीकों को भारत भेजे जाने को लेकर कई वर्गों की तरफ से अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाने वालों में शक्तिशाली अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सांसद एवं प्रख्यात भारतीय अमेरिकी भी शामिल हैं। केएल राहुल की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस को 17वें मुकाबले में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा की टीम मुंबई ने पंजाब को 132 रन का लक्ष्य दिया, जिसे पंजाब ने एक विकेट के नुकसान पर 14 गेंद पहले ही हासिल कर दिया। राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर तक बुलंद है कि सुभाष नगर स्थित घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी। स्विफ्ट डिजायर कार में आए अज्ञात बदमाशों ने बलराज सिंह को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे और कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,66,10,481 हो गई है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।